यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच बेहतरीन कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग शेयर, मतलब जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को लगातार कंसिस्टेंट रूप से कंपाउंडिंग कर सकता है, तो वैसे पांच बेहतरीन शेयर को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जिसमें पहला शेयर है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर। ये रिलैक्सो फुटवेयर अगर मार्केट कैप की बात करें, मात्र 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये इतना सॉलिड शेयर है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करके देगा। पीछे भी दिया है, रिलैक्सो फुटवेयर लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, जो कि नन लेदर प्रोडक्ट, जो कि बिना लेदर वाले प्रोडक्ट है, जैसे स्लीपर हो गया, आपका शूज हो गया, स्कूल शू हो गया, इसमें डील करती है कंपनी और काफी वेल नोन ब्रांड है कंपनी का, जैसे हो गया इसका स्पार्क, फ्लाइट, बहमास, तो ये कंपनी के जो ब्रांड है वो काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर हैं। और यहाँ पर देखिए इसका रिटेल आउटलेट, एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स, सारे तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई है और काफी बेहतरीन है, क्योंकि 50,000 प्लस रिटेलर है, 700 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इस तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। अगर बात करें कंपनी का डिविडेंड का, 0.21% कंपनी का डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% और यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग 70.9%, प्लीज परसेंटेज बिल्कुल जीरो। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.07 है और मात्र जो कंपनी के ऊपर डेट है 115 करोड़ का डेट है और जो कंपनी के पास रिजर्व है 1548 करोड़ का रिजर्व है, तो कितनी बेहतरीन कंपनी है, डेट काफी कम और कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 298 करोड़ का है। और अगर हम टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, देखिए सेल्स 2010 में था यहाँ पर 554 करोड़ का, जो कि बढ़कर के हो गया 2359 करोड़ का 2021 में, तो टॉप लाइन ग्रोथ काफी जबरदस्त। नेट प्रॉफिट की बात करें 2010 में था 38 करोड़ का, जो कि बढ़कर के हो गया 292 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी कंपनी का काफी जबरदस्त हो रहा है, कंपनी का सेल्स भी काफी जबरदस्त है। अब यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें, कंपनी का कैश फ्लो जो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव रहा है, देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है और कैश फ्लो इंक्रीज भी हुआ है। वही इन्वेस्टर सेक्शन में बात करें तो प्रमोटर्स का जो 74% से 71% हुआ है प्रमोटर्स का स्टेक, लेकिन फिर भी काफी बेहतरीन है क्योंकि काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर मिला है कंपनी में, तो प्रमोटर्स भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किए हैं, लेकिन कंपनी काफी सॉलिड है, लॉन्ग टर्म के लिए आप निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस का चार्ट है कितना जबरदस्त है, 2012 में मात्र ये 1520 रुपये का शेयर था, 15 से 20 रुपये से ये शेयर जो है यहाँ पर लगभग हाई लगा चुका है 1250 रुपीज का, तो 100 टाइम्स का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के साथ साथ ये कंपनी काफी बेहतरीन कंपाउंडिंग पर रिटर्न भी दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। तो उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो एवेन्यू सुपरमार्ट, मार्केट कैप की बात करें 2,74,000 करोड़ का, तो मतलब एक ब्लू चिप कंपनी जो उसके बराबर मार्केट कैप है इस कंपनी का, लेकिन कंपनी अभी तक निफ्टी 50 में भी शामिल नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में निफ्टी 50 का ये हिस्सा हुई कंपनी। और डिविडेंड यील्ड जीरो है कंपनी का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% का, लेकिन जितना आपको यहाँ दिख रहा है इससे कहीं बेहतर की कंपनी है, प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, डेट इक्विटी 0.03, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, निग्लिजिबल डेट है कंपनी पर मात्र 393 करोड़ का, जबकि देखिए रिजर्व 11,000 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 1155 करोड़ का, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। अब वहीं टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो सेल्स देखिए 2012 में था 2200 करोड़ का, जो कि बढ़कर के हो गया 24,000 करोड़ का 2021 में, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का था 2012 में, बढ़कर के हो गया 1099 करोड़ का, इतना जबरदस्त टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है। और कैश फ्लो की बात करें, कंपनी हमेशा कैश फ्लो जनरेट की है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव के साथ इंक्रीज भी हुआ है। फिर वहां पर इन्वेस्टर सेक्शन बात करें, प्रमोटर्स का स्टेक 81.2 है यहाँ पर 2018, जो कि घटकर हो गया 74.99%, मतलब जो मैक्सिमम स्टेक नया सेबी का रूल है उसके अनुसार हो सकता है 75%, उसी नियम के चलते प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, इसमें जो मैक्सिमम स्टेक हो सकता है प्रमोटर्स का उतना है, तो ये स्टॉक काफी बेहतरीन है और इसमें आप
किसी भी गिरावट में आप इन्वेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल जो स्टॉक SIP वाला है, मतलब आप SIP कर सकते हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तो किसी भी गिरावट में, जैसे देखिए इस स्टॉक में गिरावट आया तो यहाँ पर आप SIP करते हैं, फिर यहाँ पर गिरावट है यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ पर गिरावट है यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ पर देखिए पिछले कुछ अप्रैल महीने में यहाँ पर गिरावट आया, यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट करते, मतलब किसी भी गिरावट में इन्वेस्ट करते अभी आपको काफी बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर प्राप्त होता। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा वो है बजाज ऑटो, काफी बेहतरीन स्टॉक, मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ का, डिविडेंड 3.66% का, तो डिविडेंड काफी बेहतरीन है। ये बजाज ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो कि मुख्य रूप से 2-व्हीलर और 3-व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है, 70+ कंट्री में एक्सपोर्ट है कंपनी का। साथ ही साथ यहां पर जो है कंपनी तीसरी सबसे विश्व की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है मोटरसाइकिल की, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है 3-व्हीलर का ग्लोबली, मतलब 3-व्हीलर में सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर, और 2-व्हीलर में मोटरसाइकिल में तीसरी लार्जेस्ट कंपनी है। तो समझते हैं कितनी बड़ी ये कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात है, 3.6% है, काफी बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है जो कि ऑटो सेक्टर में आपको देखने नहीं मिलता है। और यहाँ पर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बेहतरीन है, 15% से अधिक है। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.7% है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, मतलब ये 0.01% जो कि निग्लिजिबल है। डेट बिल्कुल जीरो है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट है ही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी, मात्र 121 करोड़ का डेट। और जो कंपनी का रिजल्ट है 26,000 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 5,632 करोड़ का, तो काफी बेहतरीन कंपनी है। अगर वहीं टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो सेल्स 2010 में जो सेल्स था 11,000 और मार्च 21 में बढ़कर के हो गया यहाँ पर 27,000 करोड़ का, तो काफी बेहतरीन जब यहाँ सेल्स में देखने मिला है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 1597 करोड़ का था 2010 में, जो कि बढ़कर के हो गए यहाँ पर 4,857 करोड़ का, तो काफी बेहतरीन यहाँ पर सेल्स में जंप और प्रॉफिट में जंप देखने मिला है। उसके बाद यहाँ पर बात करें कंपनी की शेयर प्राइस का चार्ट का, देखिए चार्ट काफी सॉलिड है, थोड़ा बहुत कभी भी गिरावट इसमें देखने मिलता है तो वो एकदम सॉलिड बाई है। जैसे 2020 के मार्च में गिरावट था तो यहाँ पर आप 1800 पर बाय करते हैं, और वहां से देखिए स्टॉक हाई लगाया 4,385 रुपीज का, तो यहाँ से काफी बेहतरीन, मतलब 100% से भी ज्यादा का रिटर्न मिलता है ऐसे ब्लू चिप कंपनियों में जिसमें रिस्क बिल्कुल जीरो है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जिस गिरावट में मिले आप यहाँ पे SIP कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा बेहतर रिटर्न मिलेगा। अब देखिए उसके बाद जो अगला शेयर है वो है एशियन पेंट, मार्केट कैप की बात करें 3,13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक काफी बड़ी कंपनी। और बात करें ये कंपनी जो है एशियन पेंट लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चर है इंडिया में, और देखिए कंपनी जो है 15 कंट्रीज में 26 प्लांट अपना लगाई हुई है, और साथ ही साथ 60 कंट्रीज में अपना जो बिजनेस करती है। इतना बेहतरीन कंपनी और इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनी, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप देखिएगा, डेकोरेटिव कोटिंग में लगभग 83.70% है, इंडस्ट्रियल कोटिंग में 2.40, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.60 और होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से 2.30%। इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनी और इतना सॉलिड बिजनेस। अब यहाँ पर कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.55% डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का, जो काफी सॉलिड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से भी ज्यादा है, यहाँ तो 25 से भी ज्यादा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 52.8%, शेयर प्लेज की बात करें 9% शेयर प्लेज है, एक थोड़ा सा ये कंसर्न है, लेकिन ब्लू चिप कंपनियां हैं तो 10% से ज्यादा होता है तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, 10% से कम है तो ठीक है। डेट इक्विटी 0.09, डेट इक्विटी काफी कम है, कंपनी पर मात्र 1,093 करोड़ का डेट है जबकि 12,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। नेट प्रॉफिट 3,489 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। और यहाँ पर अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ देखिए 6,434 करोड़ का सेल्स था 2010 में, जो कि बढ़कर के हो गया 21,700 करोड़ का। और प्रॉफिट की बात करें 836 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट था 2010 में, जो कि बढ़कर के हो गया 3,139 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट, तो काफी जबरदस्त नेट प्रॉफिट में जंप, सेल्स में जंप। उसके बाद यहां पर बात करें शेयर प्राइस के चार्ट का, तो 2009 की गिरावट में मात्र ये स्टॉक 75 रुपीज में मिल रहा था, वहां से ये स्टॉक देखिए हाई लगा चुका है 3,398 रुपीज का, तो जबरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो ऐसे जबरदस्त स्टॉक में आपको जरूर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर ये स्टॉक है। अगला स्टॉक है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री, काफी बेहतरीन स्टॉक, मार्केट के
1,19,000 crore का। और बात करें इस स्टॉक का, तो ये भी काफी बेहतरीन बिजनेस करती है। कंपनी का जो फेविकॉल है, फेविक्विक है, इस तरह से जैसे डॉक्टर फिक्स हो गया, फेवी सील हो गया, मोटो मैक्स हो गया, हॉपी हो गया, इस तरह के जो बेहतरीन ब्रांड है जो कि दो लकड़ियों को चिपकाने में, दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ने में काम करता है, तो उस तरह की कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और मोनोपोली रखती है कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट में। अगर डिविडेंड की बात है, 0.36% का डिविडेंड है। प्रमोटर्स होल्डिंग 70.1% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है। डेट टू इक्विटी 0.06, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मात्र 331 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व 5,542 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 1,325 करोड़ का है। अगर बात करें यहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का, तो सेल्स जो है यहाँ कंपनी का 2010 में था 2,194 करोड़ का, जहाँ से बढ़ करके हो गया 7,293 करोड़ का। और जो नेट प्रॉफिट है वो था 2010 में मात्र 273 करोड़ का, जो कि बढ़ करके हो गया 1,131 करोड़ का। तो काफ़ी बेहतरीन टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है इस कंपनी का। उसके बाद यहाँ पर बात करें पिडिलाइट के शेयर प्राइस का चार्ट का, तो 2010 में 2019 में काफ़ी कम प्राइस हुआ करता था इस स्टॉक का, और वहाँ से काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। यहाँ पर देखिए 2010 में ये स्टॉक मात्र 45 रुपीज का हुआ करता था, वहाँ से ये 2300 से भी ऊपर जा चुका है ये स्टॉक। 2009 के गिरावट में जिसने भी इन्वेस्ट किया उनको 50 टाइम्स का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। 50 टाइम्स का रिटर्न ऐसे बेहतरीन और कंपाउंडिंग वाले स्टॉक्स में मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें, जैसे तैसे स्टॉक के पीछे क्यों पड़े। तो ऐसे 5 बेहतरीन स्टॉक मैंने इस वीडियो में आपको बताए। आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में और कौन सा स्टॉक इसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इसी तरह के जो सेफ और जो सबसे अच्छा स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपके पोर्टफोलियो हमेशा काफी बेहतरीन परफॉर्म करेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस तरह के एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।